हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख, आप देख रहे हैं सर का टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैक्स स्पीड वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन है क्या और किस प्रकार से काम करेगा, इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो कहीं भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर 24 कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाएंगी, जिसके अंदर यहाँ पर आपको फास्टर सर्वर्स अवेलेबल हो जाएंगे। एंड इसके अंदर यहाँ पर आप अपनी प्राइवेसी कर सकते हो इस वीपीएन एप्लीकेशन की। फास्टर एक्टिविटी इसके अंदर ऑल कनेक्टिविटी कर सकते हो दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ पे ये प्रॉक्सी एप्लीकेशन है, जिसके अंदर अलग अलग म्यूजिक एप्लीकेशन वीडियो की वीडियोस वगैरह आप डाउनलोडिंग सभी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो दोस्तों, और इसको अनलिमिटेड वीपीएन को यूज़ कर सकते हो दोस्तों। चलिए करते हैं मैं एप्लीकेशन को ओपन और आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन को आप किस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ पे इस प्रकार का पेचअप दिखाई देगा। पेचअप दिखाई देने के बाद यहाँ पे कनेक्टिविटी एंड डिसकनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। एप्लीकेशन का नेम्स वगैरह आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर ऑटो सेलेक्टिविटी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर आप एग्रीड यहाँ पे दिखाई देगा, जिसके अंदर आप यहाँ से जो कि आप सेलेक्टिविटी कर सकते हो, कितने मिनट तक चलाना है आपको, 30 मिनट, 60 मिनट्स, 120 मिनट्स, यहाँ पे 1020 मिनट यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 60 मिनट पर टच। एंड टच करने के बाद यहाँ पे जो प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा आपको, और कुछ पेमेंट्स वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से उसको यहाँ पे कर लेना है। कनेक्टिविटी के ऑप्शन के लिए यहाँ पे कनेक्टिंग कर लेना है। यहाँ पे जो ऐड आएंगे दोस्तों, ऐड को कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका कनेक्टिविटी स्टार्ट लेना हो जाएगा। कुछ परमिशन मांगेगा दोस्तों, अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अपन ने कौन सी कंट्रीज का सर्वर्स लिए। तो यहाँ से यूएस का सर्वर्स अपन ने कंट्रीज का सिलेक्ट करे। यहाँ से यूएस सर्विस यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे टाइम्स वगैरह चलता रहेगा, आपको टाइम्स वगैरह दिखाई देगा। एंड कनेक्टिविटी का ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई देगा। सिंपल सा कुछ नहीं करना दोस्तों, जो कि ऑटो सेलेक्टिविटी ऑप्शन है, तो यहाँ से डायरेक्टली राउंड अप पे दिखाई दे रहा हूँ आपको, इसके ऊपर टच कर लेना है। कनेक्टिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे अभी डिसकनेक्टिविटी का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि कनेक्टिव हो चुकी है। यहाँ पे अभी देख सकते हैं यहाँ पे डिसकनेक्टिविटी का ऑप्शन था और यहाँ पे कनेक्टिंग का ऑप्शन आ चुका है। इस प्रकार से यहाँ से यूएस का सर्वर्स अपन ने कनेक्टिंग पे ले लिया है दोस्तों। तो इस प्रकार से सिंपल से तरीके से अपन कनेक्टिविटी ले सकते हैं। फिर एक दोस्तों ये 15 मिनट का टाइम दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम कंप्लीट होने के बाद जो आप यहाँ से इजीली तरीके से जो आप डिसकनेक्टिविटी कर सकते हो। कैसे डिसकनेक्टिंग करेंगे, यहाँ पे डिसकनेक्टिविटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके ऊपर सिंपल सा टच कर देना। टच करने के बाद देख सकते हो वी आर यू लाइक एंड कैंसिल द सर्वर्स। तो इस प्रकार से इस पर डिसकनेक्टिविटी पर टच कर देना। डिसकनेक्टिविटी पर टच करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सर्वर्स का नेम वगैरह आया होगा, वो भी हट गया है। यहाँ पे टाइम्स वगैरह चल रहा था वो भी, और यहाँ पे कनेक्टिंग था भी, डिसकनेक्टिविटी आ चुका है। तो इस प्रकार से इस वीपीएन की यूजिंग साइट है दोस्तों। सिंपल सा तरीका मैंने आपको यूजिंग साइट का बताया। और दोस्तों ये प्रॉक्सी एप्लीकेशन है, जिसके अंदर गेमिंग्स वगैरह के ऊपर वर्किंग साइट करता है दोस्तों। फ्री फायर एंड पबजी मोबाइल्स के ऊपर बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी से ये एप्लीकेशन वर्किंग करेगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।